अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से कुछ बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि रहम की जो रसौलियाँ हैं इनके हवाले से कोई वीडियो आप बना दें या कोई नुस्खा दे दें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। तो आज की हमारी वीडियो जो होगी वो रहम की रसौलियों के हवाले से होगी, जो गिल्टियाँ बन जाती हैं या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं रहम के अंदर, या चर्बी आ जाती है, तमाम चीज़ें। अब ये रसौलियाँ होती हैं औरतों के रहम के अंदर या ऊपर जो है ये पैदा हो जाती हैं, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। अगर देखा जाए तो 70-80% ख़वातीन में, मतलब एक तहकीक के मुताबिक, जो 50 साल से ऊपर की ख़वातीन होती हैं उनमें ये हो जाती हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं, थोड़ी सी ये बात करेंगे, फिर सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे। क्योंकि हमेशा आप लोग कहते हैं बस नुस्खा दिया करें और हमारी जान छोड़ दिया करें, तो थोड़ी सी बस दो तीन इसकी वजूहात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेन है। हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से ये बन जाती हैं, या फिर मतलब फ़ैट का बहुत ज़्यादा हो जाना, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी ये रसौलियाँ बन जाती हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री आपकी होती है, मतलब आपकी वालदा में या आपकी नानी में किसी न किसी में ये पाई जाती हैं और आगे ऐसे ही ये चलती जाती हैं। अब अगर अलामात में बात कर लें तो एक तो ये आ जाएगा देखने में कि कमर में बड़ा शदीद दर्द होगा, जो पेड़ों होते हैं इनमें बड़ा दर्द होगा, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ़ होगी, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, और पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, और पेट भी जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन औरतों में ये रसौलियाँ पाई जाती हैं उनको मेंसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और उनको जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि मतलब बेचारी परेशान हो जाती हैं कि ये मतलब हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की तरह एक चीज़ चलती रहती है, पेशाब की तरह, तो ब्लड जो है ऐसे निकलता रहता है, और या फिर ऐसा हो जाता है कि अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब खून जमना शुरू हो जाता है, फिर मेंसेस में जो उन्हें खून आता है वो खून के लोथड़े बन बन के निकलते रहते हैं। ये तमाम जो है अलामत आ जाती हैं। अब बस सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पर हमें चाहिए होंगे तुख्मे सर्स, मतलब शरी के बीज, और नंबर दो पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है धमासा। तुख्मे सर्स और धमासा। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि धमासा जो है और धमाया ये दो अलग चीज़ें हैं। अब अक्सर क्या होता है, ये बताने का मकसद आपको ये है कि जब भी आप पंसारी से जाके बोलेंगी कि धमासा दे दे तो वो धमाया दे देता है, तो आपने कोशिश करनी है कि धमासा ही लेना है। और इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है धमाया। तो ये देखिए, ये होता है धमाया, मतलब ये बारीक बारीक से तकोन वाले तीन तीन कंडे इकट्ठे होते हैं इसमें। ये देखें जैसे ये कंडे लगे हुए हैं, ये है धमाया। और अगर आपको चाहिए होगा धमासा तो ये है धमासा। इसको भी ज़रा आप लोग करीब से देख लीजिए। तो आपने जब भी मतलब भी लेना है, मैंने आपको दिखाया इसलिए ताकि आपको पता चल जाए, धमाया और धमासा ये दो अलग चीज़ें हैं। और अक्सर लोग इसे एक ही समझते हैं कि धमाया और धमासा, मतलब पंजाबी में धमाया कह देते हैं और उर्दू में धमासा कह देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धमासा और चीज़ है, धमाया और चीज़ है। अब आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर वज़न में लेनी है, मतलब आप 100 ग्राम या 50 ग्राम तुख्मे सर्स ले लें, 50 ग्राम आप लोगों ने धमासा ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है हावन दस्ते में, या ग्राइंड कर लें जैसे भी आपको आसानी हो। आपने इसको छन्नी के साथ छान भी लेना है, बिल्कुल बारीक इसका जो है आपने पाउडर तैयार कर लेना है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मकदार ख़ुराक है और कब कब इस्तेमाल करना है, ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को, और आपको चीज़ों का पता भी चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपने लेनी हैं और कैसे इसको तैयार करना है। अब इसके दो तरीक़ाकार हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि पाउडर आपने इसका बना लेना है, एक तो आप इसको पाउडर की शक्ल में ही ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो कुछ औरतें जो होती हैं वो ज़रा नफीस होती हैं, और औरतों की तबीयत में वैसे नफासत होती है, वो कड़वी और इस किस्म की चीज़ें खाने में ज़रा मतलब कमज़ोर साबित होती हैं। तो अगर आप लोग ये कड़वी दवा वैसे नहीं खा सकते तो आपने ये करना है कि आपने कैप्सूल ले लेने हैं, 1 ग्राम वाले, 1 ग्राम वाला कैप्सूल ले लेना है, और आपने वो भर लेने हैं। और
अगर चम्मच से आप लोग इसकी खुराक लेंगे तो वो आप लोग लेंगे आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच चाय वाला शाम में, ये इसकी मकदार ख़ुराक बनेगी। और मतलब 2 ग्राम के करीब जो है इसकी मकदार ख़ुराक है। और अगर आप मतलब चम्मच से नहीं ले सकते या कड़वा ज़्यादा लगता है तो आप इसे कैप्सूल में भर लेंगे, और 2 कैप्सूल 1 ग्राम वाले सुबह और 2 कैप्सूल आपने शाम में लेने। अब आप लोग पूछेंगे कि इसको कितना अरसा इस्तेमाल करना है, और खाने के बाद करना है या पहले करना है। तो इसे आप खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे, कम से कम खाने के 1 घंटा या पौना घंटा के बाद आपने इस्तेमाल करनी है कैप्सूल, और 1 माह से 3 माह तक इसका इस्तेमाल का दौरानिया होगा। क्योंकि तो मैं कोई इतना कोई दावा नहीं कर रहा आपसे ऐसा कि मतलब आप बस 10 दिन खाएँ 15 दिन खाएँ तो आपकी जान छूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े आराम से और मतलब थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है, लेकिन ये नुस्खा ऐसा है कि इंतहाई सिंपल और लेकिन बहुत जानदार नुस्खा है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखेंगे। तो 1 माह से लेकर 3 माह तक आपने इस्तेमाल करना है। मतलब आपके पास जो आपकी रिपोर्ट होगी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होंगी या कोई भी होंगी, या आपकी जो रहम में रसौलियाँ होंगी उसका आपको हुजम का पता होगा कि क्या उसका हुजम है, तो आपने ये इस्तेमाल शुरू करना है। 1 माह के बाद आपने दोबारा से अपना चेकअप करवाना है, तो आपने देखना है कि कितने फ़ीसद जो है पहले की निस्बत आपको फ़र्क पड़ा है, कम हो गई है रसोलियाँ, क्या मतलब उसमें फ़र्क पड़ा, उसी हिसाब से आपने फिर आगे चलता जाना है। मतलब 2 से 3 माह 4 माह भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है इस दवा का कि कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आप लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज के लिए इतना ही था जनाब, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो हकीम जाए शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।